हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर कंटेम्प्रेरी आर्ट क्या होता है। तो गाइस, इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि कंपोजिशन आर्ट। तो गाइस, उसमें मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करी। लेकिन गाइस, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है और जो कंपोजिशन आर्ट है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब फ़र्क जो भी, मैं आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो गाइस, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कंटेम्प्रेरी आर्ट, गाइस सुनने में ये नाम काफ़ी यूनिक सा लगता है, लेकिन गाइस जब इसकी आप हिस्ट्री जानोगे या फिर गाइस जब इसको मतलब अच्छे से समझोगे तो गाइस से और भी यूनिक हो जाएगा। तो गाइस, कंपोजिशन आर्ट में जब मैंने आपको बताया था, तो इससे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ह्यूमन फिगर्स का रोल होता है, कलर्स का रोल होता है, हर चीज़ का रोल होता है। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट मतलब इसी तरह का एक पेंटिंग है, एक आर्ट है ये भी, जो काफ़ी अलग है कंपोजिशन आर्ट से। तो पहले के टाइम में क्या था कि पहले के टाइम में ना तो किसी के पास कोई पेपर हुआ करता था, ना ही लोगों को ये मालूम था कि आखिर ये ड्राइंग होती क्या है। उनके हाथ में अगर कुछ भी आ गया, पत्थर वगैरह कुछ भी आ जाता है, वो उससे कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते थे। अब गाइस, उस टाइम तो खैर किसी को ड्रॉ का मतलब पता भी नहीं होगा, ड्राइंग का मतलब पता नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, वो कुछ भी ऐसी अपने आड़ी तिरछी लाइन बना देते थे। लेकिन गाइस, अब समय बीतता गया, वो उनकी जो प्रजाति थी वो ख़त्म होती गई और धीरे धीरे उनने जो भी बनाया उनकी खोज होती गई। जैसे जैसे उनकी खोज हुई और मालूम पड़ा उन लोगों के बारे में, क्योंकि गाइस उन्होंने वही बनाया पत्थरों पे जो वो करते रहते थे। जैसे वो डांस करते थे तो डांस की फिगर बना दी, अगर वो किसी को मारते थे तो उसकी फिगर बना दी, या फिर कुछ भी करते थे उसकी फिगर बना दी। तो ऐसे लोगों को मालूम पड़ा कि हमारा जो काल है पीछे वाला, वो कैसे मतलब बीता पूरा, जो हमारे पूर्वज ने पूरी अपनी लाइफ जी कैसे जी। तो उसी हिसाब से मतलब उनकी पेंटिंग्स को देखकर मालूम पड़ा। तो गाइस, कंटेम्प्रेरी आर्ट में मेन मकसद यही होता है कि कोई आर्टिस्ट ऐसी पेंटिंग बनाए जिसमें वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर सके, उस पेंटिंग को देख के मतलब एक डीप मीनिंग उस पेंटिंग का निकले। कि अगर हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं तो उसमें हमें मालूम पड़ जाए कि ये जो बंदा है वो प्यासा है, ये भूखा है, या फिर इसको बहुत खुशी हो रही है, ये बहुत दुखी हो रहा है, ऐसी पेंटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम मान लेते हैं लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। अब गाइस, उस पेंटिंग में अब क्या हो गया है कि मतलब कुछ लोग देखते हैं, अगर कोई पहले देखेगा तो किसी को लगता है कि मोनालिसा जो खुश है, लेकिन फिर कोई दिखेगा साइड से तो लोगों को लगेगा कि दुखी है। तो ऐसी पेंटिंग मतलब लोग ना उस पेंटिंग में अपने एक्सप्रेशन मतलब पूरा डाल देते थे। वो ये सोचते थे कि मतलब हम अपनी पेंटिंग में ऐसा दिखाएं कि लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ यार, ये पेंटिंग कुछ कह रही है। मतलब वो अपनी पेंटिंग को ऐसा बनाना चाहते थे कि उनकी पेंटिंग कुछ कह रही हो और लोग समझे। तो पेंटिंग के थ्रू अपनी बात कहा करते थे उस ज़माने के लोग। तो खैर, मैंने आपसे बताया कि उस टाइम पेंटिंग जैसा कुछ था नहीं, तो वो समझ लो एक तरह से मैसेज था कि मतलब ताकि वो जो आने वाली पीढ़ी है उनको बता सके कि ये पेंटिंग जो मैं बना रहा हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो हर एक चीज़ वगैरह वगैरह वो बताते थे। तो आपने सुना होगा भोपाल में एक जगह है, भोपाल से 45 किलोमीटर दूर एक जगह है, मेरे को उसका नाम नहीं पता, लेकिन गाइस वहाँ पे मतलब प्री हिस्टोरिक गुफाएं है, वहाँ मतलब एक से एक पेंटिंग्स लोगों ने बना रखी है। या फिर अगर हम बात करें अजंता गुफाओं की, तो गाइस अजंता की गुफा नंबर एक पे, वहाँ पे सारे बुद्धा के जो पत्थर पे बनाए गए चित्र है। तो गाइस, ये तो मतलब बात हो गई जो पत्थर पे चित्र बनते थे, और ये एक बात अलग है कि मतलब लोग अपनी पेंटिंग्स में अपने भाव वो दिखाते थे कि मतलब उनके मन में क्या चल रहा है, या फिर वो क्या कर रहे हैं, या फिर आगे क्या होने वाला है। तो मैसेज के थ्रू मतलब लोगों को बताते थे अपने पेंटिंग के थ्रू कि अब मतलब ये मैसेज देते थे। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर और भी मतलब जो उसके बाद आर्टिस्ट आए बहुत सारे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करें पिकासो, ये तो गाइस मतलब बड़े महान आर्टिस्ट थे, स्पेनिश के आर्टिस्ट थे गाइस, और मतलब काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रहे ये, और इनकी पेंटिंग्स एक मतलब बहुत काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स रही इनकी। और गाइस, मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट का मतलब ये भी होता है कि आप जो भी बनाओ अपनी सोच से बनाओ, और अपनी पेंटिंग में मतलब ऐसे एक्सप्रेशन डालो कि लोग, सामने वाला बंदा समझ जाए कि हाँ, ये पेंटिंग ये कहना चाहती है। जैसे गाइस, फॉर एग्जांपल आप ये पेंटिंग देख रहे हो, आप ये वाली पेंटिंग देख रहे हो, तो मतलब इसमें अलग अलग मेथड से यूज़ करे गए हैं, या फिर आप कह लीजिए कुछ भी यूज़ कराओ, लेकिन गाइस अगर इस पेंटिंग को ध्यान से देखा जाए या फिर समझा जाए कि ये पेंटिंग क्या कह रही है, तो उस टाइम मतलब जो इसका डेप्थ मीनिंग निकल के आता है, वो इस पेंटिंग में मतलब जो आर्टिस्ट है उसने जो एक्सप्रेशन दिए, वो हमें समझ में आता है कि आखिर ये पेंटिंग आर्टिस्ट ने बनाई क्यों है, और गाइस मतलब इस पेंटिंग के थ्रू जो आर्टिस्ट है वो आखिर कहने का चाहता है। तो गाइस, कंटेम्प्रेरी आर्ट का खैर यही मीनिंग होता है एक तरह से, कि आप जो बनाओ उसमें आपके जो एक्सप्रेशन है
या फिर आप जो सोच रहे हो वो बनाओ। जैसे गाइस आपने मतलब बचपन में या फिर अभी तक आप करते आ रहे होगे, जैसे आपने कॉपी के पीछे मतलब बहुत सारी आड़ी तिरछी लाइन खींची हो, कुछ भी कराओ, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसकी पेंटिंग बना दी, या फिर कुछ करने वाले हो तो उसको बना दिया। तो ऐसे ही गाइस पिछले वाले लोग होते थे वो भी यही करा करते थे। वो क्या करते थे, अगर वो बैठे हैं खाली तो कुछ मतलब पत्थर से कुछ खींच देते थे। और गाइस ऐसे करते करते ना उन्हें मतलब कुछ नए जो इनोवेशन वो करते गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टेम्परा मेथड होता है एक, उससे मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपकी आपने कोई पेंटिंग बनाई तो उसमें कलर करना है, अब तो कलर के लिए वो क्या करते थे, पत्तियों का यूज़ करा करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हमें ग्रीन कलर चाहिए तो हरी पत्तों का यूज़ कर दिया। और गाइस अब जब उनने वो कर दिया तो कीड़े मकोड़े जो उनकी पेंटिंग खाने लग गए, तो तब उन्होंने क्या करा, किसी पेड़ से मतलब एक ऐसा केमिकल निकाला कि जब वो अपनी पेंटिंग पे लगाते बाद में तो फिर उनसे जो उनकी जो पेंटिंग है वो कीड़े नहीं खाते थे। तो ऐसे करते करते जो पेंटिंग का एक इनोवेशन भी होता गया। अब गाइस पेंटिंग का नाम कहाँ से आया, ड्राइंग का नाम कहाँ से आया, ये तो गाइस पता नहीं मेरे को अभी इस वक्त, लेकिन गाइस काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब जो ड्राइंग है जो पेंटिंग है जो हमारी वर्ल्ड में आया काफ़ी इंटरेस्टिंग है पूरी इसकी हिस्ट्री। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो गाइस नीचे मैंने एक लिंक दे रखा है विकिपीडिया का, आप वहाँ से इसको पूरा पढ़ सकते हो, काफ़ी आसान रहेगा आप लोगों के लिए। अब गाइस एक बात और, कंटेम्प्रेरी आर्ट गाइस आपने सुन लिया कि हाँ यार ऐसी पेंटिंग है, इसमें मतलब आड़ी तिरछी लाइन खींच तो कंटेम्प्रेरी आर्ट बन गई। तो गाइस मतलब मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आखिर कंटेम्प्रेरी आर्ट होता क्या है और इसका जो हिस्ट्री और अभी से क्या मतलब संबंध है या फिर जो भी है रिलेशन वगैरह वो मैंने आपको बताया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और गाइस इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहा करे। और गाइस वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ।